आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बी एलएलबी इंग्लिश फर्स्ट में एक टॉपिक है कॉन्कर्ड। ठीक है, कॉन्कर्ड मीन्स होता है जुड़ाव। जुड़ाव यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब में क्या जुड़ाव है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाना है। तो हमें इसका जो एग्रीमेंट है, ये जो तालमेल है सब्जेक्ट और वर्ब का, कि कब हम वर्ब जो है ना सिंगुलर रखते हैं और कब प्लूरल रखते हैं, तो ये आज हमें बहुत अच्छी तरीके से डीप में डिस्कस करना है। तो सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग डिटेल नॉलेज लेने वाले हैं। तकरीबन जो है 20-22 स्लाइड्स है, जिसमें हम लोग सारे रूल्स पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और इसके क्या रूल्स हैं, कब हम सिंगुलर वर्ब रखते हैं और कब प्लूरल वर्ब रखते हैं। क्योंकि ये छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप आगे नेक्स्ट लेवल पर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, तो उसमें ये जो गड़बड़ी होती है ना, छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, वो यहीं पर होती है। ज़्यादातर मोस्टली यहीं पर वो चीज़ें गलत होती है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हुए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है, ये क्लियर है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। हमें देखना यह है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि हमें ये चीज़ें जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट वर्ब का, एग्रीमेंट ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब आएगा। ये डेफिनेशन है, यही आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्लियर है। तो अब हम रूल पढ़ते हैं कि कब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है और कब प्लूरल हो रहा है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होगा। हो सकता है थोड़ा सा वॉइस आ जाए जनरेटर वगैरह की, आप इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे एकदम शांत माहौल मिल नहीं पा रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग का। बट आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट में बताते रहिए कुछ जो भी प्रॉब्लम है अगर कुछ, तो वो भी बताइए, और प्लस कमेंट थोड़ा कर दिया करिए पॉजिटिव, ठीक है। अपनी फैमिली वगैरह में भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, एक आप टारगेट है थोड़ा सा 1000 सब्सक्राइबर का, तो वो कम्प्लीट आप लोगों को करना है और वॉच टाइम भी कम्प्लीट करना है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं रूल क्या है। रूल नंबर फर्स्ट है आपका, द प्रोनाउन यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। यू आप जानते हैं, यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर, या यू हमारा एक तरीके का प्लूरल है, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे, वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। एग्जांपल है, यू वर इनवाइटेड टू कम, यू आर आस्क्ड टू क्लीन द रूम, यू सिंग सो वेल। ठीक है, तो यू है, यू के साथ हमारा आएगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब हमारे ये कह रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यू को हम जनरली प्लूरल मानते हैं, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, रूल नंबर टू है, इफ़ अ सेंटेंस बिगिन विथ हेयर और देयर, सेंटेंस विथ हेयर और देयर, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट विच फॉलोज इट। ठीक है, तो हेयर और देयर के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट जो जिसको फॉलो करते हैं, हेयर और देयर जिस लेटर को, जिस हेयर एंड देयर जिस वर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट वर्ब जाएगा। ठीक है, तो हेयर आर द वेज ऑन हाउ टू प्रिजर्व मीट। तो हेयर क्या, हेयर आर द वेज, तो ये हेयर जो है वेज को फॉलो कर रहा है, वेज हमारा क्या प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, देयर, देयर से स्टार्ट हो रहा है, हेयर एंड देयर से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, देयर से स्टार्ट हो रहा है तो हमें फॉलो करना है इसको, ह्यूज गैप। ये हमारा ह्यूज गैप हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, आई थिंक इसका मीनिंग आप लोगों को क्लियर होगा ना। हेयर आर द वेज ऑन हाउ टू प्रिजर्व मीट, यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, वहाँ पर रिच और पुअर यानी अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा गैप है वहाँ पर। नेक्स्ट है, थर्ड है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स वन सिंगल एंड वन प्लूरल आर कनेक्टेड बाई आइदर और नाइदर नॉर, द वर्ब एग्रीज विद द नियरर सब्जेक्ट, है ना। तो बोला है कि दो सब्जेक्ट है जो कि एंड से कंबाइन हो रहा है, एंड की वजह से प्लूरल हो रहा है, लेकिन आइदर और नाइदर नॉर से कनेक्ट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसके नियरर जो सब्जेक्ट है वो लिया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच, ना तो प्लेयर ना तो कोच। तो यहाँ पे वर्ब है आपका इज, तो इज के नियर आपका क्या है, कोच, है ना। तो कोच आपका क्या सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर इज लगा है। अगर यहाँ पे कोच होता या कोई और वर्ड होता, प्लेयर्स होता, तो हम यहाँ पे लगाते आर, ये प्लूरल है बट ये सिंगुलर है,
तो नियरर जो वर्ब के होगा तो उसको ऐड करेंगे, उसकी वजह से वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। नेक्स्ट है हमारा, आइदर द कंडक्टर और द सिंगर्स आर अटेंडिंग द कॉन्सर्ट, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, आइदर और से ऐड किया गया है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो सब्जेक्ट हैं, बट नियरर क्या है, सिंगर्स, है ना। तो सिंगर्स आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर लगाया गया है आर, यानी कि वर्ब भी आपका प्लूरल लगाया गया है। नेक्स्ट रूल है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय इंटरवेनिंग वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस सच एज विथ एज वेल एज इन एडिशन टू अकम्पनीड बाय टुगेदर विथ एंड नो लेस देन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। क्या समझ में आया कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जो फॉलो करता है ये सारे इंटरवेनिंग वर्ड्स, यानी कि जो ऐड करते हैं, बीच में आते हैं, इंटरवेनिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि विथ है, एज वेल एज है, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, टुगेदर विथ एंड नो लेस देन टेक, ये सारे क्या होंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल है, जैक अकम्पनीड बाय हिज सिस्टर्स इज एनरोलिंग इन PCC। तो आई थिंक मीनिंग आप लोगों को पता ही होगा, जैक अकम्पनीड बाय हिज सिस्टर इन, तो यहाँ पर देखिएगा जैक और हिज सिस्टर, है ना। तो इसके बीच इंटरवेनिंग वर्ड आ रहा है अकम्पनीड बाय, है ना। तो इसकी वजह से, इस वर्ड की वजह से हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर देखिएगा सिस्टर्स लिखा हुआ प्लूरल, अगर ऐसे देखा जाए तो प्लूरल है ये, बट यहाँ पर आ रहा है अकम्पनीड, तो इसलिए इसके यहाँ पर वर्ब यूज़ हो रहा है सिंगुलर, है ना। यानी कि जैक अपनी बहनों के साथ PCC में दाखिला ले रहा है। नेक्स्ट है, डैडी एज वेल एज माई ब्रदर इज़ एन्जॉइंग द पार्टी। तो यहाँ पर देखिएगा, डैडी और माई ब्रदर के बीच इंटरवेनिंग वर्ड आ रहा है एज वेल एज, तो इसकी वजह से हमारा जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगुलर। क्लियर है। नेक्स्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाई एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब एक्सेप्ट वेन दे मीन वन थिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर दो सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन किए गए हैं एंड से, तो वो रिक्वायरमेंट वहाँ पर आएगी प्लूरल वर्ब की, क्योंकि एक और एक मिलके दो हो जाते हैं, है ना। बट कंडीशन है वेन दे मीन वन थिंग, ये वो किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तभी वो प्लूरल कंसीडर किए जाएंगे। एग्जाम्पल है, लारी एंड मर्सी। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो चीज़ें इग्नोर करिएगा थोड़ा सा। एग्जाम्पल है, लैरी एंड मर्सी आर रीडिंग नॉवेल्स, है ना, लैरी एंड मर्सी। तो ये कंबाइन किया गया है एंड से, ये दोनों कंबाइन किया गया एंड से, यानी कि दो पर्सन है, कोई लैरी है और मर्सी है, तो ये दोनों मिलके प्लूरल हो गए हैं। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। लैरी एंड मर्सी आर रीडिंग नॉवेल, दोनों क्या कर रहे हैं, नॉवेल्स रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है, माई टीचर एंड फ्रेंड इज हेयर। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी एंड से ज्वाइन किया गया है, बट यहाँ पर किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है। कोई एक चीज़ क्या है, माई टीचर एंड फ्रेंड, यानी कि कोई एक ही पर्सन है जो टीचर और मेरा दोस्त भी है। अगर यहाँ पर होता माई टीचर एंड माई फ्रेंड, तो यहाँ पर दो पर्सन होते, एक टीचर और एक दोस्त, तब यहाँ पर प्लूरल आ जाता वर्ब आपका, ठीक है। तो अगर एंड से ज्वाइन किया गया है दो सब्जेक्ट, तो उसे हम प्लूरल कंसीडर करेंगे, बट अगर वो किसी एक चीज़ के बारे में ही बात कर रहा है तो वहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट है आपका, टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय आइदर और नाइदर नॉर टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट है जो कि आइदर और नाइदर नॉर से लिए गए हैं, तो वहाँ पर आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट है, आइदर मम्मी और डैडी, आइदर और आ रहा है ना, तो यहाँ पर वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पर मीनिंग के थ्रू भी देख सकते हैं, या तो मम्मी या तो डैडी, कोई एक ही, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। इज़ कमिंग विथ मी एट द आउटबाउंड, जो मेरे साथ बाहर आ सकते हैं, या तो मम्मी आ सकती हैं या तो पापा आ सकते हैं। नाइदर फर्दी नॉर डल्क इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई भी, ना तो फर्दी ना तो डल्क इज़ वेटिंग, कोई वेट नहीं कर रहा है आपका। तो यहाँ पर भी नाइदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट तो आ रहे हैं, क्योंकि पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था अगर एंड के साथ ज्वाइन होंगे दो सब्जेक्ट, अगर एंड के साथ यहाँ पर ज्वाइन होते तो ये प्लूरल हो जाते, है ना। बट नाइदर और या नाइदर नॉर के साथ ज्वाइन हो रहे हैं तो ये आपका सिंगुलर ही रहेगा, वर्ब आपका सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट रूल है, इफ़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाई अ फ्रेज कॉन्टेनिंग अ प्लूरल नाउन द वर्ब इज सिंगुलर।
क्या कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलो कर रहा है एक ऐसे फ्रेज को जो कि प्लूरल नाउन है, बट वहाँ पर आपकी वर्ब सिंगुलर होगी, क्योंकि यहाँ पे मेनली अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट लिया जाता है, सब्जेक्ट के साथ फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज़ है बट फ्रेज के साथ आ रहा है वन ऑफ द, है ना, तो वन ऑफ द बॉयज, तो इसके अकॉर्डिंग वन ऑफ के साथ हमारा सिंगुलर ही आएगा वर्ब। ठीक है, यहाँ पर भी वन ऑफ द मेंबर्स, यानी मेंबर्स में से कोई एक, अगर मीनिंग के थ्रू जाएं तो मीनिंग से भी पता चल रहा है कि वन ऑफ द बॉयज यानी कि कोई एक ही लड़के की बात हो रही है, बॉयज, बॉयज में से कोई एक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द इनडेफिनिट प्रोनाउन सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, अदर्स एंड ऑलवेज प्लूरल। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, जिनमें कुछ कन्फर्म नहीं होता, जैसे आपका डेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं, वन टू थ्री फोर, है ना, डेफिनेट है। इनडेफिनिट यानी कि सेवरल, कई, विभिन्न, फ्यू, कितने, कुछ, बोथ, दोनों, है ना, तो ये सारे आपके डेफिनेट वर्ड नहीं है, इनडेफिनिट वर्ड है, तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। तो बोला है रूल नंबर 8 है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, अदर्स आर ऑलवेज प्लूरल, तो ये सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल होंगे। एग्जाम्पल है बोथ, बोथ आया यहाँ पे, बोथ वेयर आस्किंग टू बी फ्रीड। नेक्स्ट है सेवरल आर सीकिंग, सेवरल आर सीकिंग जस्टिस, न्याय की मांग है, है ना, बहुत सारे लोगों को न्याय की मांग है। ठीक है, नेक्स्ट है द इनडेफिनिट प्रोनाउन सम, मोस्ट, ऑल, नन आर सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो वहाँ पर बताया गया कि वो सारे वर्ड्स आपके ऑलवेज प्लूरल होंगे, तो ये चीज़ आपको लर्न करनी होगी। और यहाँ पर कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मीनिंग कि सेंटेंस की मीनिंग क्या निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है सम ऑफ द गर्ल्स वेयर एब्सेंट, सम ऑफ द आइसक्रीम इज लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखिए सम ऑफ द गर्ल्स, है ना, सम ऑफ द गर्ल्स यानी कुछ लड़कियाँ, यहाँ पे काउंटेबल आ रहा है, काउंटेबल चीज़ें आ रही हैं, यानी कि 10 है, 10 में से कुछ हो सकता है, 5 हो सकती हैं, है ना, 6 हो सकती हैं, तो ये काउंटेबल है, तो ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 6 है, तो ये हमें पता है काउंटेबल है कि ये कितनी है, है ना, तो ये आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वो भी आपका प्लूरल आ गया। बट वहीं पर अगर आपका आ रहा है सम ऑफ द आइसक्रीम इज लेफ्ट, आइसक्रीम यानी कि एक डब्बा आइसक्रीम का है उसमें से कुछ आइसक्रीम, तो यहाँ पे काउंटेबल चीज़ें नहीं आ रही है, है ना, काउंटेबल अगर ऐसे बात करें कि कई सारी आइसक्रीम है, जैसे आपका आइसक्रीम, नंबर ऑफ आइसक्रीम की बात हो रही है, तब आपका ये आपका प्लूरल हो जाएगा। बट यहाँ पर कंसिडर यही किया जा रहा है कि सम ऑफ द आइसक्रीम यानी कि आइसक्रीम का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, तो यहाँ पर आपका वर्ब भी सिंगुलर है। नेक्स्ट आता है व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग इनडेफिनिट प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट, द वर्ब इज सिंगुलर, एवरीबॉडी, ईच, वन, अनदर, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरी नथिंग, एवरीथिंग, एनीवन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, समबॉडी, समवन, है ना, तो ये सारे वर्ड्स जो कि आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं, ये क्या कहा गया है, व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग इनडेफिनिट प्रोनाउन इज सब्जेक्ट, अगर ये सारे प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट हैं तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल है एवरी मैन एंड वोमेन इन दिस हॉल इज अ मेम्बर, तो यहाँ पे एवरी आ रहा है, एवरी मैन एंड वोमेन, ठीक है, तो एवरी आ रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो इसलिए हमारा वर्ब यहाँ पर कंडीशन ये है कि वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट है एक्सटेंशंस ऑफ टाइम, मनी, वेट एंड डिस्टेंस आर सिंगुलर इवन इफ द फॉर्म इज प्लूरल। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, टाइम, मनी, वेट एंड डिस्टेंस अगर आता है तो ये हमारा सिंगुलर माना जाता है, तो अगर सब्जेक्ट आर सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर माना जाता है, इवन इफ द फॉर्म इज प्लूरल, चाहे इसका फॉर्म जो है वो प्लूरल क्यों ना हो, बट अगर ये चीज़ें आ रही है, टाइम आ रहा है, मनी आ रहा है, वेट आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, है ना, चाहे उसका फॉर्म क्यों ना प्लूरल हो, चाहे वो दिखने में प्लूरल क्यों ना हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, टू ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम टू वेट, दो साल,
टू ईयर्स, इसका फॉर्म देखिएगा ईयर्स लिखा हुआ है ना, टू ईयर्स। तो ईयर्स एक कंफ्यूज हो सकता है इंसान कि ये प्लूरल में जाएगा, बट टाइम के बारे में बोला गया है तो टाइम हमारा सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। $1 million फॉर्म देखिएगा, प्लूरल फॉर्म दिख रहा है, बट ये 1 million पैसे के बारे में बात हो रही है, $1 million। तो यहाँ पर भी आपका वर्ब क्या है, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर भी टाइम, मनी, वेट, डिस्टेंस के बारे में बात हो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, चाहे उसका फॉर्म क्यों ना प्लूरल दिख रहा हो, तो वहाँ पे कंसीडर होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। नेक्स्ट है, व्हेन द अमाउंट ऑफ मनी रिफर्स टू सेपरेट यूनिट्स द वर्ब इज प्लूरल। लेकिन कंडीशन ये, दूसरा रूल ये भी कहता है कि अगर अमाउंट ऑफ मनी डिफरेंट सेपरेट यूनिट में कंसीडर की जा रही है, सेपरेट यूनिट में रिफ़र की जा रही है, तो वहाँ पर वर्ब प्लूरल होगा। यानी कि यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल में 5, 25 centavo, है ना। 5 इस तरीके से भी नहीं, इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, और 25 आपका इस तरीके से इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, और ये करेंसी भी थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए अलग अलग फॉर्म में रिफ़र किया गया है मनी, मॉनेटरी टर्म को अलग अलग फॉर्म में बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल माना जाएगा, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, 60-100 peso बिल्स वेयर एडेड टू द बजट। तो यहाँ पे देखिएगा 60 इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल डिजिट में है, और ये अलग करेंसी है, पेसो आपकी मैक्सिको की करेंसी है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल, पैंट्स, ट्राउजर्स, पिलर्स, सीजर्स, शेयर्स, टंग, ये सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल रहेंगे। ये तो आपका सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स का भी रूल है कि ये सारे वर्ड्स ऑलवेज प्लूरल रहते हैं, तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी आपका प्लूरल आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल है, द पैंट्स आर टॉर्न इनटू टू, है ना, द पेयर्स ऑफ सीजर्स। बट यहाँ पर एक और कंडीशन थी, आई थिंक मैंने पढ़ा नहीं है, एक और कंडीशन थी, हाउएवर इफ़ द वर्ड पेयर इज़ यूज्ड, अगर वर्ड, एक वर्ड है पेयर ऑफ, अगर पेयर ऑफ का यूज़ किया गया है तो वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है द पैंट्स आर टॉर्न इनटू टू, है ना, तो सिंपल सा पैंट्स लिखा, इसका फॉर्म तो प्लूरल दिख रहा है, बट ये भी ऑलवेज प्लूरल रहते हैं ये सारे वर्ड्स। बट अगर इसके साथ लिखा होता द पेयर ऑफ पैंट्स, है ना, तो ये आपका सिंगुलर हो जाता। तो यहाँ पर देखिएगा द पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ आ गया, सीजर्स तो हमारा प्लूरल रहेगा ऑलवेज, बट इसके साथ पेयर ऑफ आ गया, तो इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर हो जाएगा, तो ये भी वर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्टेन नाउंस द प्लूरल इन फॉर्म आर सिंगुलर इन मीनिंग एंड देयर फोर टेक सिंगुलर वर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फॉर्म में दिखने में प्लूरल होते हैं, दिखने में प्लूरल होते हैं फॉर्म में, बट वो सिंगुलर ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स देखिएगा, ये इसमें एस लगा हुआ है, ऐसा दिखने में लग रहा है कि ये प्लूरल है, बट ये ऑलवेज सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट है, द लेटेस्ट न्यूज़, न्यूज़ जो वर्ड है ये भी आपका ऑलवेज सिंगुलर रहेगा, फॉर्म आप इसका प्लूरल दिख रहा है, बट ये ऑलवेज सिंगुलर ही रहेगा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी आपकी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 15 स्लाइड पे, 15 रूल पे, व्हेन द वर्ड इज प्रीसीडिंग बाय ए इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अगर आपका वर्ड जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ ए आ रहा है, इट टेक्स, तो ये इसको माना जाएगा प्लूरल वर्ब, है ना। व्हेन इट इज़ प्रीसीडिंग बाय द इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, अगर द आ रहा है तो वो सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। एग्जांपल है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, तो यहाँ पर देखिएगा इस फ्रेज के साथ आपका आ रहा है आ, तो ए आपका आएगा, तो ये ऑलवेज प्लूरल माना जाएगा, तो ये आपका वर्ब भी प्लूरल मानते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे द आ जाता है तो ये आपका कंसीडर होगा सिंगुलर, द नंबर ऑफ आपका कंसीडर होगा सिंगुलर, अ नंबर ऑफ आपका कंसीडर होगा प्लूरल, है ना। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट
कंसीडर हो रहा है सिंगुलर, तो वर्ब भी आपकी कंसीडर होगी सिंगुलर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल है व्हेन फ्रैक्शंस आर यूज्ड। फ्रैक्शन समझते हैं ना, टू थर्ड, वन थर्ड, ये सारे फ्रैक्शन हैं। फ्रैक्शंस आर यूज्ड द वर्ब एग्रीज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेज। क्या कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन हम यूज़ करते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो फ्रेज हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रेज का ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वर्ब हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो देख लेते हैं, वन हाफ ऑफ द केक, वन हाफ ऑफ द केक, तो यहाँ पे वन हाफ आ रहा है ना, वन हाफ ऑफ द केक, केक का एक पार्ट, वन हाफ आधा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑब्जेक्ट, इस वाले फ्रेज का ऑब्जेक्ट क्या है, वो है केक। तो केक आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी आपकी सिंगुलर है। नेक्स्ट करिएगा, वन फोर्थ ऑफ द एम्प्लॉयज, वन फोर्थ फ्रैक्शन आ रहा है, वन फोर्थ फ्रैक्शन है, वन फोर्थ ऑफ द एम्प्लॉयज, तो इसका ऑब्जेक्ट है, इस फ्रेज का ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉयज, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे एम्प्लॉयज आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। वन फोर्थ ऑफ द एम्प्लॉयज वे अटेंडिंग द सेमिनार, वन फोर्थ एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है, द नाउंस में भी सिंगुलर और प्लूरल इन मीनिंग। इस ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, एथलेटिक्स, जेनेटिक्स, पॉलिटिक्स, जिमनेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, मीनिंग पर डिपेंड करता है। When a noun refers to an organized activity, it is singular. अगर किसी एक संस्था, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं ना रिजवी कॉलेज है, रिजवी, तो रिजवी एक ऑर्गेनाइज है, एक संस्था है, तो वो आपका सिंगुलर आएगा, है ना। बट अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के, रिजवी के अलग अलग डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो वो प्लूरल में आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि ये सारे वर्ड्स आपके सिंगुलर या प्लूरल कब होंगे, वो मीनिंग डिसाइड करेगा। अगर ऑर्गेनाइज हैं वो, यानी एक ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो वो आपके सिंगुलर होगा, और अगर ग्रुप में नहीं है, इंडिविजुअली बात हो रही है, तो वहाँ पर आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जिमनास्टिक यानी कसरत, है ना, जिमनास्टिक इज़ वेरी पॉपुलर अमंग गर्ल्स। कसरत जो है लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय है, तो जिमनास्टिक्स जो है वो एक पूरा ऑर्गेनाइज कह रहा है, कसरत यानी एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, एक ग्रुप की तरह यूज़ हो रहा है, पूरे हर सारे कसरत की बात हो रही है, सारी एक्सरसाइज की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है ये एक ग्रुप ऑर्गेनाइज में बात हो रहा है, तो इसलिए ये सिंगुलर है। ठीक है, इसकी जब ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वो भी आपकी सिंगुलर होगी। दूसरे एग्जांपल में देखिएगा, द जिमनास्टिक शोन इन द फील्ड टुडे वेयर आउटस्टैंडिंग। आज मैदान में दिखाया गया जिमनास्टिक उत्कृष्ट था। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज वे में बात नहीं हो रही है, द जिमनास्टिक शोन इन द फील्ड टुडे, ठीक है, यानी कि उसके मेंबर्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, तो ये आपका प्लूरल माना जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, द नाउन ऑफ द कंट्री इज ऑलवेज रिगार्डेड एज सिंगुलर। अगर किसी कंट्री का नेम है तो वो भी आपका सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर माना जाएगा। एग्जाम्पल है, द बहामास हैज़ ब्यूटीफुल बीचेस। बहामास एक जगह का नाम है, ये कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है, यहाँ पर 700 द्वीप वगैरह है, आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैप भी लगा हुआ है ना, तो ये यहाँ पर क्या है, बहामास हैज़ ब्यूटीफुल बीचेस, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत से बीचेस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कंट्री का नेम है ना, हालांकि ये दिख रहा है आपका प्लूरल, बट ये कंट्री नेम है, का फॉर्म प्लूरल है, बट ये कंट्री नेम है, इसलिए ये ऑलवेज सिंगुलर रहेगा, तो ये सिंगुलर रहेगा, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट है, फिलीपींस इज ऑलवेज वंडरस प्लेस। फिलीपींस भी आपका एक देश है ना, तो यहाँ पर बताया गया है ये सिंगुलर है, तो ये भी आपका वर्ब भी सिंगुलर है, फिलीपींस इज अ वंडरस प्लेस। फिलीपींस जो है बहुत खूबसूरत जगह है। नेक्स्ट है, एडजेक्टिव्स यूज एज नाउन आर कंसीडर्ड प्लूरल। अगर एडजेक्टिव का यूज किया गया है एज अ नाउन, है ना, तो वो भी आपका प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल है, एडजेक्टिव समझते हैं ना, यानी किसी की विशेषता बताना। एग्जाम्पल है, द पुअर आर टू बी हेल्प्ड। तो यहाँ पर गरीबी क्या है, एक विशेषता है किसी
पर्सन की हो सकती है, तो ये विशेषता है द पुअर, बट ये यूज़ हो रहा है एज अ नाउन, यूज़ हो रहा है एज अ नाउन, तो जो एडजेक्टिव यूज़ होता है एज अ नाउन तो वो ऑलवेज कंसीडर किया जाता है प्लूरल। तो अगर हम सब्जेक्ट को प्लूरल मान रहे हैं तो हमें वर्ब ऑटोमेटिक प्लूरल करना होगा। तो हमें एक आइडिया लग गया होगा अब तक इतनी सारे रूल्स देख लिए कि वर्ब जो है वो डिपेंड है सब्जेक्ट पर, तो हमें पहले सब्जेक्ट डिफाइन करना होता है उसके बाद वर्ब डिफाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट अगर आप डिफाइन कर ले रहे हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, या सिंगुलर कंसीडर होगा या प्लूरल कंसीडर होगा, तो आप वर्ब ऑटोमेटिक कंसीडर कर सकते हैं। द एफिशिएंट आर व्हाट हिज कंट्री नीड्स, एफिशिएंसी ये कुशलता, एफिशिएंट कुशल, तो ये एज ए यूज़ हो रहा है नाउन, है ना। एफिशिएंसी आपकी एक तरीके का क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता है, तो ये यूज़ हो रहा है एज अ नाउन, तो इसलिए ये कंसीडर होगा प्लूरल, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन्स में भी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन वेदर द इंडिविजुअल मेंबर्स आर एक्टिंग इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन समझते हैं ना, कलेक्टिव नाउन यानी किसी ग्रुप को डिनोट करना, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बट अगर वेदर द इंडिविजुअल मेंबर्स आर एक्टिंग इंडिविजुअली, अगर अलग अलग काम कर रहे हैं किसी कलेक्टिव मेंबर के लोग, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था रिजवी कॉलेज का, तो रिजवी कॉलेज जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, बट वहाँ पर अगर मेंबर्स की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, तो वो हमारा इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, है ना। तो अगर अलग अलग की बात हो रही है तो वहाँ पर सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा, बट अगर कलेक्टिव बात हो रही है, रिजवी खाली बात हो रही है रिजवी, तो वहाँ पर आ जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बोला जा रहा है। तो दीज नाउन्स आर जैसे एक कंपनी, ग्रुप, कमिटी, क्राउड, ज्यूरी, फ्लॉक, टीम, तो ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन हैं जहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं एक बार। द कमिटी, कमिटी एक संस्था है, कमिटी, है ना। तो कमिटी ये आपका कंसीडर होगा सिंगुलर, तो आपका वर्ब भी कंसीडर होगा सिंगुलर। कमिटी इज़ अगेंस्ट द प्लान, कमिटी यानी कि ये जो संस्था है ये प्लान के अगेंस्ट है, तो ये एक्ट कर रहा है कलेक्टिवली, है ना। पूरी यानी कि अगर रिजवी के बारे में बात करें, रिजवी इज़ अगेंस्ट द प्लान, तो रिजवी यानी रिजवी का जितना भी डिपार्टमेंट है सभी। नेक्स्ट है द कमिटी आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अलग अलग बात हो रहा है। अब कमिटी तो है, लेकिन कमिटी के मेंबर्स के बारे में बात हो रही है कि उनका जो है ओपिनियन वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर एक्ट एक्टिंग इंडिविजुअली, है ना, तो इसलिए ये यहाँ पर प्लूरल यूज़ हो रहा है, यहाँ पर आर का यूज़ हो रहा है। तो इसको ये जो कमिटी है, यहाँ पर भी कमिटी दी हुई है और यहाँ पर भी कमिटी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि ओपिनियन, ओपिनियन किसका आएगा, अलग अलग लोगों का ओपिनियन, अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन आएगा, तो यहाँ पर प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है इन द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, इन द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड। एग्जाम्पल है, अगर हम बोलते हैं 7+3, अगर हम बोलते हैं 7+3 10, है ना, तो ये 7+3 ये एक कलेक्टिवली बोला जा रहा है, तो इसलिए ये सिंगुलर होगा और वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। बट अगर हम उसी को दूसरी तरीके से बोल देते हैं 7 and 3 are 10, 7 and 3, क्योंकि हम पहले भी रूल पढ़ चुके हैं कि अगर एंड से ज्वाइन किया गया है दो चीज़ों को, है ना, दो नाउन को एंड से ऐड किया गया है, तो वो बन जाएगा आपका प्लूरल। तो अगर इस तरीके से 7 and 3 लिखा हुआ है तो ये हमारा प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है 5 times 2, 5 times 2, तो ये भी हमारा प्लूरल कंसीडर किया जा रहा है। नेक्स्ट है 5 minus 2, तो 5 minus 2 इस तरीके से, यानी कि 5, 7+ अगर इस तरीके से लिखा रहा है तो ये भी कलेक्टिवली लिखा रहा है, दिखा रहा है, ये भी आपका कलेक्टिवली दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वो भी आपकी सिंगुलर होगी, वो भी यहाँ पर भी सिंगुलर होगी। बट अगर आपका इस तरीके से इस फॉर्म में आ रहा है तो ये हमारा प्लूरल कंसीडर होगा। नेक्स्ट है टाइटल्स ऑफ बुक्स, प्लेज, आर्टिकल्स, मूवीज, etc. आर रिगार्डेड एज सिंगुलर इवन दाउ वर्ड्स इन द टाइटल में भी प्लूरल। क्या बोला है कि टाइटल है अगर किसी चीज़ का, बुक का हो, प्ले का हो, आर्टिकल का हो, ड्रामा का हो, तो वो सिंगुलर माना जाएगा, चाहे उसमें जो भी वर्ड्स हैं वो प्लूरल क्यों ना हो। एग्जांपल समझ लेते हैं, इन ड्रीम्स बिगिंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोस्टली जो है ये टाइटल वगैरह इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखे जाते हैं, तो ये आप लोगों क्लियर हो जाएगा। तो ये एक क्या है, टाइटल है,
किसी बुक का। इन ड्रीम्स बिगिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इज, तो यहाँ पर ये आपका सिंगुलर माना जाएगा ये पूरा पोर्शन, क्योंकि ये टाइटल किसी का नाम है ना, तो वो भी आपकी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ मस्ट रीड नॉवेल। ग्रेट एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका एक टाइटल है किसी बुक का, तो नॉवेल का नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो देखिएगा वर्ड्स जो है वो प्लूरल हैं, बट ये टाइटल है बुक का या बुक का नेम है, इसलिए जो है ये नॉवेल का नेम है इसलिए ये सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो भी आपकी सिंगुलर हो जाएगी। रूल नंबर 23 है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द होल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्ड टू एंड अ प्लूरल वर्ब व्हेन द मेंबर्स आर रिफर्ड टू। ये भी कुछ उसी तरीके से है। एग्जांपल है लोब्स एंड सन्स इज अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि एंड के था, क्योंकि आंख बंद करके चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। अगर आप लोगों ने, हो सकता है आप लोग रट लें कि एंड अगर बीच में आ रहा है तो वो प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा लोब्स एंड सन्स ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो ये प्लूरल नहीं होगा आपका, ये आपका सिंगुलर ही रहेगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगा। लोब्स एंड सन्स इज अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ये क्या एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक कंसीडर होगा एक ही बॉडी। नेक्स्ट है लोब्स एंड सन्स आर होल्डिंग अ टू डे एनुअल मीटिंग्स। तो यहाँ पर जो मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो मेंबर्स मिलकर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका प्लूरल हो जाएगा, तो इसलिए वो भी आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ अ सेंटेंस बिगिन विद द एक्लिटिव आई टी द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर इवन इफ द सब्जेक्ट दैट फॉलो द वर्ब इज प्लूरल। क्या कह रहा है, अगर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आई टी से, है ना, अगर सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आई टी से तो वर्ब क्या होगी, ऑलवेज सिंगुलर होगी, चाहे उसमें सब्जेक्ट जो फॉलो कर रहा है वो प्लूरल क्यों ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इट इज़ द स्कूल्स, है ना, इट इज़ द स्कूल्स विच मोस्ट अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इट से स्टार्ट हो रहा है, इट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हालांकि बात किसकी हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, बट ये स्टार्ट किया गया है आई टी से, इट से, है ना, तो इट की वजह से यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है इट इज़ अस, ये हम है, इसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में, है ना, हमारे बारे में, बट इसको, इसका जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो स्टार्ट हो रहा है इट से, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब भी आपकी सिंगुलर हो जाएगी। इट इज़ अस हु मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, ये हम हैं जो कि एनवायरनमेंट की देखभाल ज़रूर करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत मिस्टेक कर देती हैं, प्रैक्टिकल आप करते हैं अगर तो उसमें बहुत मिस्टेक होती है इनकी वजह से। और ये सारे रूल आपको दो चार बार, एक दो बार तो आप वीडियो देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, या प्रैक्टिस तो कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि लर्न करने बैठें, बट अगर एक बार समझ लेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है, और अपनी फैमिली वगैरह में भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।